जोहार नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में रोड बन का स्वागत है। मैं सत्यव्रत ठाकुर देश दुनिया राइज और जिला का समाचार के संगे रोड बन कर बीच में उपस्थित हूँ। तो चलो समाचार के सुनीला। एक हफ्ता से बीमार झोलीवुड कर बेस गिटारिस्ट अनूप फ्लोरेंस कुजूर का राइज मृत्यु हो गया। झारखंडी संगीत साहित्य हिंदी फिल्म और भोजपुरी फिल्म कर गीत मन में अपन अंगुरी कर जादू दिखाए वाला बेस गिटारिस्ट अनूप फ्लोरेंस कुजूर कर एक हफ्ता पहले ब्रेन हेमरेज हो जाए रहे और उनका इलाज रांची स्थित पल्स अस्पताल में चलत रहे। उनका ऑपरेशन भी करल जाए रहे। उनका स्वास्थ्य में तनी मनी सुधार होइक लग रहे, मुदा आज अचके उनकर मृत्यु हो गेलक। इकर जानकारी उनकर बड़ भाई संजय कुजूर द्वारा देल गेलक। इनकर मृत्यु कर समाचार सुनते झारखंड का संगीत जगत और कलाकार परिवार मन में शोक कर लहर है। शोक कलाकार इनकर मृत्यु के झारखंडी कला संस्कृति में अपूर्णीय क्षति बता ले। अनूप फ्लोरेंस कुजूर सजनी ग्रुप सहित औरो ग्रुप मन में हिंदी और भोजपुरी कार्यक्रम में बेस गिटार बजात रहे। वो बहुत मिलनसार और शांत स्वभाव कर रहे। इनकर मृत्यु होय पर झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष राजकुमार नागवंशी, सचिव डॉक्टर जयकांत इंदवार, श्रीकांत इंदवार, ज्योति साहू, देवदास विश्वकर्मा, पवन रॉय, राजीव सिन्हा, बीरू बाबा, राज मोरिया, ज्योति साहू, राजू क्रिकेटा, सुमन गाड़ी, कृष्णा नायक सहित झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन कर परिवार मन शोक व्यक्त कर रहे। हिने सिमडेगा जिला कर झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन कर जिला प्रतिनिधि सत्यव्रत ठाकुर, पुनित दुबे, दयाल इंदवार, खिलेश्वर सिंह, देवगन कैथवार सहित शोक कलाकार मन भी शोक व्यक्त कर रहे। ठेठेटांगा थाना क्षेत्र कर घुट बहार कुआ टोली ग्राम कर एगो 14 वर्षीय नाबालिग छोड़ी को शिकायत दर्ज करवा लकी उकर आबा केरल में काम करे के लिए बाहर जाए और वो अपन आयो के संगे घर में रहेला, मुदा उकर आयो खेती बाड़ी सहित औरो काम करे के लागिन घर से बाहर रहेला। इके जानते घर ठन रहे वाला एगो 58 वर्षीय उमेर दराज जोहन कंडूला नामक आदमी मौका कर फायदा उठाते उकर घर आना जाना करत रहे। से घड़ी नाबालिग छोड़ी के लोभ लालच दे के बहलाई फुसलाई के छेड़छाड़ करे शुरू कर लग और मौका दे के उकर से दुष्कर्म करे लागलक और केको बताले जान से मारे कर धमकी भी उकर द्वारा देल गेलक। पहले तो नाबालिग छोड़ी लोक लाज और डर कर चलते चुपचाप रहलक, मुदा गर्भवती होय कर आशंका के देखते डराय के पूरा घटना का जानकारी अपन घर वाला मन के दिलक और घर वाला मन पीड़िता के संगे थाना जाए के शिकायत दर्ज करवा ले। मामला कर गंभीरता के देखते ठेठेटांगा थाना प्रभारी तुरते कांड दर्ज करते आरोपी दरिंदा 58 वर्षीय जीवन कंडूला के घुटबहार कुआं टोली में खोजल गेलक, मुदा वो घर से भाग जाए रहे। इन्हें ठेठेटांगा थाना पुलिस द्वारा छापामारी अभियान चलाते घुटबहार जंगल से उके गिरफ्तारी करल गेलक और जेल भेजल गेलक। ई मामला कर जानकारी देते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माध्यम से SP कहले। सिमडेगा पुलिस की उपलब्धियों का लगातार तीसरा दिन है। अपराधियों के विरुद्ध एक बार फिर हैट्रिक सिमडेगा जिला पुलिस ने मारा है। आपको बताएं कि ठेठा टांगर थाना क्षेत्र के घुट बहार कुंवर टोली गांव से एक बहुत ही दुखद घटना की सूचना थाने पे आए। एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ विगत 2 वर्षों से बहला फुसला कर और डरा धमका कर एक 58 वर्षीय दरिंदे दुष्कर्म करते रहे। शुरू में लोक लज्जा और डर के मारे, चूंकि उसने कहा था कि अगर इसकी सूचना तुमने दिया तो जान से मार देंगे, वो डरी और लोक लज्जा से ना तो मां को बताया और न ही समाज को। पिता बाहर रहते हैं, मां जब भी बाहर जाती कमाने के लिए तो अकेले पाकर ये दरिंदा उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। थाने को सूचना मिली और ठेठेटांगड़ थाना प्रभारी युवा हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन्होंने बिना विलंब किए बहुत ही तत्परतापूर्ण कारगर पुलिसिया कार्रवाई की। और आपको बताएं कि जब भनक लगी कि पुलिस में बात पहुंच चुकी है तो ये जो दुष्कर्मी है जीवन कंडुलना, ये गुड़बहार कुआं टोली का ही है, ये भाग निकला और जंगलों की तरफ छुप गया। लेकिन थाना प्रभारी ठेठेटांगड़ और उनकी टीम ने
बाहर जंगल में छुपे हालत में इनको धर दबोचा है और जेल की हवा खाने जा रहे हैं। समाज के लोगों से मेरा आह्वान होगा कि पुलिस तो कारगर कार्रवाई कर ही रही है, सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक जो भी मामले दुष्कर्म के आए हैं उसमें 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, घंटे दो घंटे और चार छह घंटे में दुष्कर्मी पकड़े जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं, उन पर आरोप पत्र समर्पित हो रहे हैं। लेकिन समाज के लोगों का दायित्व तो भी है कि अपने अगल बगल में ध्यान रखें कि कौन गलत काम कर रहा है, और अगर ऐसी सूचना रहती है तो सीधे पुलिस कप्तान या थाना प्रभारी को जरूर इसकी सूचना दें, तत्काल इस पर रोक तो लगाया ही जा सकता है और ऐसी घटनाओं को कम किया जा सकता है। हम सिमडेगा के प्रबुद्ध नागरिकों से विशेष रूप से आग्रह, अनुरोध और गुजारिश करेंगे कि पुलिस को अपना पूरा सहयोग दें। पुलिस तत्पर है, आपकी सेवा में 24x7 सेवारत है।